जांजगीर चांपा जिले में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। आपको बता दें कि चांपा के रेलवे स्टेशन पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव पिछले कई घंटों से मृत हालत में पड़ा रहा और लोग उस शव को देखकर भी अंजान बन रहे थे। वहीं मीडिया के दखलंदाजी के बाद रेलवे प्रशासन की आंख खुली और आनंद फानन में शव को वहां से हटवाया गया। जांजगीर चांपा में आज मानवता फिर से एक बार शर्मसार हुई। चांपा रेलवे स्टेशन की दहलीज पर सुबह से एक अज्ञात लाश पड़ी रही जो एक बुजुर्ग की थी। बुजुर्ग के शव को अनदेखा कर लोग अपने काम से आते जाते रहे, लेकिन किसी का भी दिल उस मृतक को देखकर नहीं पसीजा। यहां तक चंद कदम में मौजूद जीआरपी ने भी अज्ञात लाश की सुध नहीं ली। जब इसकी खबर मीडिया तक पहुंची तो मीडिया के दखल देने के बाद जीआरपी ने लाश को वहां से हटा दिया, लेकिन लाश को शाम तक कफन तक नसीब नहीं हो पाया। इस पूरे घटनाक्रम से चांपा शर्मिंदा है। जिले के एकमात्र चांपा जंक्शन से रोज सैकड़ों की संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। इसके बावजूद भी किसी भी यात्री ने उस शव की ओर मानवता भरी निगाहों से नहीं देखा। सब अपने काम से आवाजाही करते रहे। इसी बीच मीडिया कर्मियों ने तत्काल जीआरपी के जिम्मेदारों को फटकार लगाई। तब शाम 6 बजे के बाद जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में तो लिया, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर यूं ही अपने हाल पर छोड़ दिया था। इधर रेलवे स्टेशन के कुछ लोगों ने बताया कि उसका शव सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ जो काफी निंदनीय है और शर्मसार। ये अज्ञात है, ये अस्पताल से इलाज करा कर के आ रहा है। कितने टाइम का घटना सर? ये 2 बजे तक तो जिंदा था। तो आपको कैसे पता चला कि स्टेशन मास्टर सूचना दिया है? तो इसका कोई पता ही नहीं है अभी तक पता नहीं है इसका वाइस। लगभग उम्र क्या होगा? लगभग 70 साल। हसौत से देवेंद्र निराला की रिपोर्ट, ACN 24।